हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज रक्षाबंधन है, मिराज की छुट्टी है। सो हमने सोचा कि बाहर जाते हैं, घूमते हैं, और बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज हमने सोचा कि घूम के थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं। और गाड़ी भी एकदम फुल गंदी हो रखी है, गाड़ी गंदी हो गई है, तो हम लोग आ गए हैं गाड़ी को साफ करवाने के लिए। आ गए हम लोग गाड़ी साफ कराने के लिए। हाँ भाई, हाँ दोनों बढ़िया से। तो बहुत ज़्यादा गंदी है, दिखाओ। चलो बाहर से दिखाते हैं कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है गाड़ी। फ़ोन ले लेना, समय पर्स वर्स रहने दो, पैसे उठा लो भाई। ये देखो, ये कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है गाड़ी हमारी। और हम लोग आ गए हैं गाड़ी वॉश कराने के लिए। देख रहे हो, पूरा राउंड दिखा दिया। ले लिया पैसा, देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद बताते हैं आप लोगों को। तो भाई देखो, अंदर से सफाई होना शुरू हो चुकी है। चलो दिखाते हैं पास से। ऐसी कहीं बाहर वॉश करा रहे हैं, ये एकदम क्राउन प्लाजा के बगल में नहीं, दूसरे साइड में है, पास में। और भैया मतलब क्या ही रेट है, बिल्कुल सस्ता, बट ठीक है, दुकान नहीं है ना इनके, इसलिए इतने कम पैसे में कर रहे हैं। नहीं तो दुकान होती तो ये भी लेते, ज़्यादा ही पैसे लेते है ना। ही समझ, हमें पैसे, हमें दुकान से क्या ही मतलब, हमें साफ करवाने से मतलब। हाँ और क्या, साफ हो जानी चाहिए बस, दुकान हो चाहे रोड हो चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट क्लास क्लीनिंग हो जाए बहुत है। अंदर की तो क्लीनिंग अच्छे से कर दी इन लोगों ने, हमारी गाड़ी अंदर से तो और मस्त होगी। कितने मंथ बाद साफ करवाया? ये समझ लो मतलब अंदर से क्लीनिंग पहली बार कराई हम लोगों ने। हाँ, अंदर से थोड़ी कराया था, अब अंदर से भी होगी। चलो बैठो, घुमाते हैं। तो भाई हम लोग निकल गए थे वॉशिंग करा के, और देखो भाई मतलब कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। हम सोचे थे कि हम पहुँच जाएंगे, कितने बजे समय, मतलब 1 बजे तो पहुँच ही जाएंगे जहाँ जाना है, तो लेकिन तक तो हमने वॉशिंग करवाया। हाँ वही ना, वॉशिंग में टाइम लग गया, और यहाँ पे भाई साहब ट्रैफिक तो एक नंबर का तगड़ा है ट्रैफिक। दिल्ली ट्रैफिक के लिए ही फेमस है। जी हाँ, जी। खाने के लिए भी फेमस है, खाने के लिए है, ट्रैफिक के लिए भी। ट्रैफिक तो कुछ ज्यादा ही है। आज रक्षाबंधन है ना, राखी बांधने लोग ट्रक से जा रहे हैं। अरे मेरा मुंह बंद कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। ट्रक से जा रहे हैं, कुछ भी बोल रही हो तुम तो मतलब भर भर। अच्छा देखो भाई, ट्रक वाले को ज्यादा जल्दी हो रही है, ये अभी हमारे बिल्कुल करीब से निकला, मतलब छूते छूते निकल गया ये। सो गाइस, हमारे प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। अब हम पहले करोल बाग नहीं जा रहे, पहले सरोजनी नगर जा रहे हैं। वहाँ पे आज जैसे छुट्टी है, तो कुछ अगर अच्छी चीजें दिख गई लेने के लिए तो ले लेंगे, टॉप वगैरह, पजामा वगैरह। पता नहीं क्यों आज इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है, हर जगह ट्रैफिक है। 2:30 बज गए, 3 बज गए, और अभी तक हम किसी भी जगह नहीं गए, बस गाड़ी बस घूम रहे हैं, सिर्फ गाड़ी धुलवाए हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट, और मॉल में हमने पार्किंग लगाई है गाड़ी अपनी। एंड अभी जा रहे हैं मार्केट, और बहुत ज़्यादा ही भीड़ होगी आज तो यहाँ पे। मेरा फ़ोन लिया है? हाँ, ये जो मिराज का बैग है, इसमें मेरी शॉपिंग भरी हुई है। 150 150 150 250 250। यहाँ पे पार्किंग लगाने का भी अलग ही सिस्टम है।
इधर से मिराज ठीक है भाई, मैं वहाँ वहाँ चले जाओ आप अकेले, ये ले लो, ले जाओ, आ रहा हूँ भाई। लो भैया आ गई हमारी गाड़ी। सो गाइज, हम लोग निकल चुके हैं सरोजनी नगर मार्केट से और यहाँ पे आज बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल गए हमें। एक्सपोर्ट के कपड़े थे काफ़ी सारे, अच्छे अच्छे और सस्ते में भी थे, तो मैंने काफ़ी सारे वन पीस लिए और टी शर्ट्स वगैरह लिए है, जो मैं घर जाके एक उसका व्लॉग बना के दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या लिया है मैंने और कितने कितने का लिया है। और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मिराज? देखते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। सो अभी हम निकले हैं और हमें बहुत अच्छी पार्किंग भी मिल गई थी, मस्त वाली पार्किंग थी बिल्कुल। गाइड और बस 2 घंटे के 34 रुपए ही लगे और धूप कहीं भी नहीं थी, गाड़ी भी मतलब वैसी गर्म नहीं हुई ना। हाँ। गर्म ज्यादा गर्मी, इतनी तेज धूप थी, लेकिन सरोजनी में भीड़ कम नहीं थी, बहुत ज्यादा फुल था क्योंकि आज सबकी छुट्टी थी, इस वजह से भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। सो गाइज, हम लोग सब जगह से फ्री तो नहीं हुए हैं, बट हाँ सरोजनी का जो काम था वो हो गया और बाकी ना करोल बाग गए हम, ना नेहरू प्लेस गए, ना पुरानी दिल्ली गए, और अब हम जा रहे हैं घर। घर जा रहे हैं, चल रहे हैं। और सही लगा तुम्हें जो लिया हमने? हाँ अच्छा है, वो मैं व्लॉग वीडियो बना के दिखाऊंगी। मुझे तो सही लग रहा, जितने भी लिए ना अच्छे अच्छे, सच में एक से एक कपड़े मिलते हैं वहाँ पे। पैसा बचत होता है, पैसा क्यों, यहाँ से जाने में पेट्रोल लगता है, वहाँ पे घूम के खाओ पियो उतने ही पैसे का हो जाता है। हाँ एक तरीके से ठीक है, थोड़ा घूमना भी हो गया और वीडियो भी बन गई और सामान भी ले लिया और छुट्टी भी था वो भी यूटिलाइज हो गया। तुमको ना 2-3 बजे निकलना चाहिए घर से। क्यों? आराम से कहे